हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ गीत। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल गार्डनिंग विद गीत कुमार में। आज का जो हमारा प्लांट वीडियो टॉपिक है वो है फ्रेंड्स कि स्नेक प्लांट में अगर किसी तरह के प्रॉब्लम्स देखने के लिए मिल रहे हैं, जैसे कि ब्राउन स्पॉट्स हो रहे हैं, पत्तियां ब्राउन हो रही हैं या ब्लैक स्पॉट्स हो रहे हैं या इस तरह से पत्तियां ब्राउन हो रही हैं पूरी तरह से, तो अगर ऐसा हो रहा है तो इसके क्या क्या कारण होते हैं ऐसा होने का और इसको ठीक कैसे करें, तो यही आज का प्लांट वीडियो टॉपिक है। फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगे आप लोगों को तो ज़रूर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें मेरे चैनल गार्डनिंग विद गीत कुमार को। तो ये जो प्लांट है फ्रेंड्स, ये है स्नेक प्लांट। इसकी वैरायटीज़ बहुत सारी होती हैं। ये मोस्ट ऑक्सीजन गिविंग प्लांट में से एक है। बहुत इजी टू केयर, इजी टू मेंटेन प्लांट है। आप घर के किसी भी एरिया में रख सकते हैं, लेकिन इतना ध्यान रखें कि बच्चों से और अपने पेट से इसको दूर रखें, क्योंकि एक पॉइजनस प्लांट भी है। और इसके अलावा इसमें पानी बहुत कम दें। ज़्यादा पानी डालने की वजह से ही इस तरह के जो प्रॉब्लम्स हैं ज़्यादातर देखने के लिए मिलते हैं। तो अब बात करती हूँ कि इस प्लांट को अगर घर में रखा है और इस तरह के प्रॉब्लम्स आ रहे हैं तो इसके क्या क्या कारण हैं। पहले कारण मैं बता देती हूँ वन बाय वन। तो सबसे जो पहला कारण होता है फ्रेंड्स, वो होता है अंडर वाटरिंग, यानी कि आप बहुत कम पानी अगर इस पौधे में देते हैं तो भी इस तरह के जो इंडिकेशंस हैं देखने के लिए मिलते हैं। वैसे तो इस प्लांट को कम पानी की ही आवश्यकता होती है, लेकिन इतना भी कम पानी ना दें कि इसमें इस तरह की पत्तियाँ ब्राउन होकर सूखने लग जाएँ। तो इसीलिए बैलेंस्ड वाटरिंग करें। एक बार जब पानी देते हैं प्लांट में तो दोबारा तभी दें जब उसकी मिट्टी पूरी तरह से सूख जाती है, तब इसमें पानी दिया करें। दूसरा जो कारण होता है वो होता है फ्रेंड्स, अगर आपने अपने प्लांट को पूरी तरह से धूप में रखा हुआ है और कड़ी धूप मिल रही है पौधे को, तो ये भी एक कारण होता है इस प्लांट के इस तरह के ब्राउन होने का। तीसरा जो मेन कारण होता है वो होता है फंगल इन्फेक्शन। फंगल इन्फेक्शन ज़्यादातर प्लांट में बहुत ज़्यादा पानी देने की वजह से होता है, और जब आप बहुत ज़्यादा पानी देते हैं तो जिस गमले में प्लांट लगा हुआ है उसकी मिट्टी में फंगस डेवलप हो जाते हैं, जो कि प्लांट को पूरी तरह से धीरे धीरे ख़राब करते हैं और फिर बाद में पत्तियों के ऊपर आ जाते हैं, पत्तियों को ख़राब करना शुरू कर देते हैं। तो फंगल इन्फेक्शन की वजह से भी आपके प्लांट में इस तरह के इंडिकेशंस देखने के लिए मिलते हैं। इसके अलावा जो कारण होता है वो होता है पेस्ट होता है, यानी कि कीड़े मकौड़े किसी तरह के आपके पौधे में लग रहे हैं तो भी इस तरह के जो इंडिकेशंस देखने के लिए प्लांट में मिलते हैं। इसके अलावा इनकंसिस्टेंट वाटरिंग, यानी कि आप कभी बहुत ज़्यादा पानी देते हैं या फिर बिल्कुल पानी नहीं देते हैं। तो एक बार पानी देते हैं तो बहुत ज़्यादा दे देते हैं, तो इस तरह से जो आप वाटरिंग करते हैं प्लांट में, कभी देते हैं कभी नहीं देते हैं या फिर कभी बहुत ज़्यादा दे देते हैं, तो इसको सुधारने की ज़रूरत है। अगर इस पौधे को लगा कर रखा है अपने घर में और इसको हेल्दी बनाना चाहते हैं तो पानी कैसे देना ये मैंने बता दिया। इसके अलावा अगर इसकी मिट्टी में आप बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र यानी कि खाद बहुत ज़्यादा डाल देते हैं तो इससे भी इस तरह के प्रॉब्लम्स देखने के लिए मिलते हैं। तो इसीलिए ये जो पौधा है फ्रेंड्स, इसमें वैसे भी बहुत कम फर्टिलाइज़र की ज़रूरत होती है। अगर इसमें आप फर्टिलाइज़र नहीं भी डालते हैं 2-3 महीने 4 महीने तो भी ये बेचारा जो पौधा है बहुत ही सीधा साधा पौधा है, इसको तभी भी आप देखेंगे कि इसकी ग्रोथ बहुत अच्छे से हो रही है। लेकिन आप ऐसा ना करें, इसमें खाद डालें लेकिन बैलेंस्ड वे में डालें, 2-3 महीने में एक बार खाद डालें इसमें, ताकि इसकी जो ग्रोथ है वो अच्छी हो और आपका प्लांट हेल्दी ग्रो करता रहे। तो ये कुछ जो कारण है वो मेन कारण है इस पौधे में इस तरह के इंडिकेशंस देखने के लिए जो मिलते हैं उसके कारण है। अब इसको ठीक कैसे करें अगर ऐसा हो रहा है, तो सबसे पहला काम करें कि आप इसमें पानी अगर बहुत कम दे रहे हैं तो बैलेंस वाटरिंग करना शुरू कर दें। एक बार पानी दे के दोबारा उसमें तभी दें पानी जब इसकी जो मिट्टी है वो सूखने लगती है। अगर आप इसमें इसको कम्प्लीटली धूप में रखते हैं तो ये कम्प्लीटली धूप में रखने वाला पौधा नहीं है। ये एक इंडोर प्लांट है जो कि बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है। ये एक इंडोर प्लांट है तो इसको घर के एरिया में रखें जहाँ पे इसे बहुत ज़्यादा धूप नहीं मिलती हो। लेकिन इस प्लांट को अगर कम्प्लीटली आप बहुत लंबे वक्त तक घर के अंदर रखे हुए हैं तो भी ये प्लांट ख़राब हो जाता है।
और इसके और भी रीज़न जो प्लांट में इस तरह के ब्राउन स्पॉट्स देखने के लिए मिलते हैं, उसका हो सकता है कि इसकी जो ह्यूमिडिटी लेवल है बहुत कम हो गई है प्लांट की, जिसकी वजह से भी ऐसे इंडिकेशंस देखने के लिए मिलते हैं। और जो प्लांट है उसको एरेशन सही नहीं मिल रहा है, एयर सर्कुलेशन इसके लिए बहुत ज़रूरी है, तो इसको ऐसी जगह में भी रखें जहाँ पे इसे थोड़ी बहुत फ्रेश हवा भी मिल जाए, नहीं तो ये प्लांट ख़राब होता रहेगा। अगर इसमें फंगल इन्फेक्शन है तो उसमें कोई अच्छा सा फंजीसाइड पाउडर आप डालें गमले की मिट्टी में, और आधा पानी जो आप लेते हैं किसी स्प्रे बॉटल में लें, उसमें आधा से एक चम्मच जितना आपके जितना बड़ा आपका प्लांट है उस हिसाब से लें। अगर बहुत ज़्यादा, मेरे जितना बड़ा प्लांट है आपका बहुत घना और बहुत सारे पौधे हैं, तो एक बड़ा चम्मच 1 से 1.5 लीटर पानी में मिलाकर स्प्रे बॉटल में भर लें, आधा पानी इसकी जड़ों में डालें और आधा पानी पूरी पत्तियों पर स्प्रे कर दें, तो ये फंगल इन्फेक्शन से आपके प्लांट को बचाएगा। और फंगल इन्फेक्शन ना हो इसीलिए पानी बहुत बैलेंस्ड वे में दें। इसके अलावा प्लांट को धूप दिखाते रहें। अगर कीड़े मकौड़ों का अटैक है फ्रेंड्स, तो वैसे तो फंगल इन्फेक्शन के लिए जो आपने फंजीसाइड पाउडर इस्तेमाल किया है उससे भी कीड़े मकौड़े नहीं लगते हैं अगर आप इसकी पत्तियों पर स्प्रे करते हैं फंजीसाइड पाउडर का बना हुआ सल्यूशन। लेकिन अगर उससे भी नहीं जा रहे हैं कीड़े मकौड़े, तो आप इसमें नीम ऑयल का छिड़काव कर सकते हैं 1 चम्मच 1 लीटर पानी में मिला के, मंथ में 2 से 3 बार इस्तेमाल कर सकते हैं आप। तो नीम ऑयल वैसे प्लांट्स के ऊपर उसका साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है, तो आप डालें लेकिन बहुत ज़्यादा भी ना डालें। हर चीज़ का अगर कुछ एक्सेस कर देते हैं आप तो वो ख़राब होती है वो चीज़ें, तो इसीलिए ज़्यादा ना करें, बैलेंस वे में ही दिया करें। प्लांट में अच्छी एरेशन उसको मिलती रहे, तो हवा भी ऐसी जगह में रखें जहाँ उसे मिलती रहे, धूप भी मिलती रहे। फर्टिलाइज़र बहुत ज़्यादा ना डालें प्लांट में, बैलेंस वे में डालें। अगर आप कुछ दिनों के लिए इसमें फर्टिलाइज़र, अगर आपका प्लांट ख़राब हो रहा है तो आपको लगता है कि आपका प्लांट बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र देने की वजह से ख़राब हो रहा है, तो कुछ दिनों तक, यानी कि कुछ महीनों तक उसमें फर्टिलाइज़र बिल्कुल भी ना दें और पानी अच्छे से डालें और मिट्टी दोबारा सूखे तभी उसमें पानी दें। इन बातों का ख्याल रखें। और ये जो पौधा है फ्रेंड्स बहुत ही पॉइजनस है, इसको बच्चों से और अपने पेट्स से ज़रूर दूर रखें। और ये जो प्लांट है इसकी खास बात तो मैंने बताई आप लोगों को कि मोस्ट ऑक्सीजन गिविंग प्लांट में से एक है, सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन देने वाला पौधा में से एक है ये। और इसकी वैरायटीज़ बहुत सारी होती है, इसकी छोटी पत्तियों वाली भी डॉफ वैरायटीज़ होती हैं जो कि बड़ी नहीं होती हैं, छोटी रहती हैं, तो आप उसको भी अगर आपके घर में स्पेस कम है तो उस छोटे छोटे से प्लांटर पॉट में भी लगा कर रख सकते हैं, ताकि आपके घर की जो हवा वो प्योरीफाई होती रहे और आपको फ्रेश हवा मिले, तो इस तरह से आप लगा सकते हैं। और इस पौधे को अगर आप घर में लगाते हैं तो आपके घर में सांप अगर आते हैं, अगर आप ग्राउंड फ्लोर पे रहते हैं तो सांप अगर आते हैं या कोई पॉइजनस जीव आता है, रेप्टाइल है, तो वो आपके घर में नहीं आएगा। तो इस पौधे को लगाने का ये भी फ़ायदा होता है। ख़ास तौर से इस पौधे, अगर ये पौधा घर में आपके लगा है तो इसको देख के सांप दूर भागते हैं, तो इसीलिए इस पौधे को अगर नहीं लगाया तो ज़रूर लगाएं, बहुत सस्ते मिलते हैं। एक पौधा लगाते हैं हज़ारों पौधे बन जाते हैं, ये देखिए फ्रेंड्स कितने सारे निकल आते हैं। इसको आप पत्तियों से भी प्रोपगेट कर सकते हैं, पत्तियां काट के मिट्टी में आधी डाल दें, आधी से थोड़ी ऊपर ही डालें, 1 इंच डाल दें, तो वो पत्तियाँ थोड़ी टाइम लगती है उनको ग्रो होने में, लेकिन उससे जड़ें निकल आती है, नया पौधा बन जाएगा। लेकिन इसके जड़ों में कई सारे पौधे निकलते हैं, वो आप निकाल के नए गमले में लगा सकते हैं, जिससे आपका नया प्लांट भी तैयार हो सकता है। तो इस तरह से आप अपने पौधे का ख्याल रख सकते हैं और अपने प्लांट को हेल्दी बना सकते हैं। तो यही था आज का हमारा प्लांट वीडियो फ्रेंड्स, आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। लगा हो अच्छा वीडियो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें मेरे चैनल गार्डनिंग विद गीत कुमार को। मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय फ्रेंड्स, टेक केयर।